हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल या कौन से टेलीविजन चैनल पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक जानकारी देने वाला हूँ साथ ही में जो तेलुगु वर्ज़न है वो कौन से ओ टी के ऊपर ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगा उसके ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दूंगा इस फिल्म का जो राइटिंग डिरेक्शन स्क्रीन प्ले टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट स्टोरी एनालिसिस इन सभी चीज़ों के ऊपर एक डीप में रिव्यू होने वाला है साथ ही फिल्म का प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी तो तो राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा दो की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीजें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टी जी विश्व प्रसाद इन दोनों दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पांच करोड़ का आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी किए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग किए हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पे इस फिल्म में टोटल पांच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जीव म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक के पर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूँ अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहाँ पे श्री विष्णु सुनेना मेगा आकाश और रवि बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला भरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाओ वासु इंतुरी कदम्बरी किरण कार्तिकेय कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदू और अरुणा बिक्स ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्टर्स है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चौरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में उन्नीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे फिल्म को करीबन पंद्रह सौ वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों को यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी जहां पे फिल्म ने पहले वीकेंड करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन पर एक मीडियम बस के साथ रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन पे डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने पहले वीक में सात करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद में इसके और चीज की बात करें तो यस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 140 यानी कि एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूज़िक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था यह फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किया गए पहला गाना राजा राजा बच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भारद्वाज पात्रुडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भादवाज पात्रोडू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचचा जिसनु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामा लिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाईकॉम वैद्य वाई लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से तो टोटल पांच गाने थे उनके लिरिशिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रेक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूजिक आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे इंजॉय कर सकते हो जी म्यूजिक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली दो में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी दो मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग कर और सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चा, चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे और एक सौ शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा का रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चल चलता है कि हमें पता बताया जाता है कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीज़ें सही में है क्या भास्कर मेरिड है विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीज़ों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीस डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची से जो वन लाइनर्स थे वो ज़रूर एक बढ़िया सा फ़न क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फ़न जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बड़े ऊपर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नज़र आते और इंटरवल सीक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासु नजर आ रहे थे मेघा का सपने रोल के साथ काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी प्रेजेंसिव था वो ग्लैमरस नजर आ रही थी फिल्म में और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है सुनैना को एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ था सीरियस रोल मिला हुआ था उसमें वो काफी बेहतरीन नजर आ रही थी रवि बाबू ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था और अपना वो किरदार वो काफी एज यूजल प्ले करते हुए नजर आते तनिकला भरानी एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं उनका वो कैरेक्टर ही उस टाइप का था जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीजों में उनका कैरेक्टर में वो उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है गंगावू काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका परफॉर्मेंस आपको जरूर इंप्रेस कर जाएगा उनका वो रोल छोटा सा किरदार आपके दिमाग में छप जाएगा बाकी के सभी कास्ट ने काफी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए हैं जिस वजह से जो ट्विस्ट तो टर्न देखने को मिलते हैं वो आपको इंप्रेसिव नजर आते फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता डायरेक्टर हर्षित गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंचीस है नरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ़ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही में फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नज़र आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीजें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही इमोशनल ट्रेक किया सेकंड हाफ में वो उतना डिटेल वाला नजर नहीं आता है जिस वजह से वो उतना हमें कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सिक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीजों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीजें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई थी स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंचीस और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीजें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सेकंड हाफ में हमें दिखाया तो वहां पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया और अव्वल दर्जे की देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते हैं लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफी रिच नजर आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है को सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नजर आएगी एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी है कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया सा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ में की सीन्स देखने को मिलते दे, हैं इसके अलावा ये सभी मैसेजेस सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहां पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंचीवर किए हुए थे मेगा का, आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीजें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले तो मैं बता दूँ कि इसमें फिल्म के डिजिटल राइट्स ओटी राइट्स सैटेलाइट राइट्स राइट सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाइव को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाइव के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी ऐप के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए हैं जहां पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने डॉप्ट करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चोरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि राजा राजा चोरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम जी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज़ अगर कोई को राइट्स बेच देते तो बात अलग है तो टेलीविजन प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओ टी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी जी विश्व प्रसाद इन दिनों दोनों, दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफ़ी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पर फिल्म का बजट करीबन दो से पाँच करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग की हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पर इस फिल्म में टोटल पांच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जियो म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक ऊपर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूं अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेघा आकाश और रवि बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला भरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाऊ वासु इन्तुरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदु और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चौरा फिल्म को तेलगू लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहां पे फिल्म को करीबन 1500 वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना की हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों को यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी फिल्म ने पहले वीकेंड सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन पर एक मीडियम बस के साथ रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन पर डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने पहले वीक में सात करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद इसके और चीज की बात करें तो यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 140 यानी कि एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जीव म्यूजिक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ये फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किए गए पहला गाना राजा राजा वच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भाद्वाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रोड़ू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिसनु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामालिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाईकॉम वैज्य वाई लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिशिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज़ किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रेक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहां पे म्यूजिक आपको काफी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे तो वहां पे आप यूट्यूब पे एंजॉय कर सकते हो जी म्यूजिक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो इस ऑफिशियली दो हजार बीस में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी दो मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग करो रहे सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग डब्बिंग पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म की इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे हो एक सोर्क शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा आकाश रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चलता है कि हमें पता बताया जाता कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीजें सही में है क्या भास्कर मेरी डे विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीजों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीस डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची से जो वन लाइनर्स थे वो जरूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बराबर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासू नजर आ रहे थे मेघा का

ने में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीजों में उनका कैरेक्टर में वो उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है गंगावू काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका परफॉर्मेंस आपको जरूर इंप्रेस कर जाएगा उनका वो रोल छोटा सा किरदार आपके दिमाग में छप जाएगा बाकी के सभी कास्ट ने काफी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहां पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए हैं जिस वजह से जो ट्विस्ट तो टर्न देखने को मिलते हैं वो आपको इंप्रेसिव नजर आते हैं, फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर हर्षित गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंची से नरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ़ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही में फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नजर आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही में इमोशनल ट्रेक किया सेकंड आप में वो उतना डिटेल वाला नज़र नहीं आता है जिस वजह से वो उतना में कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सीक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीज़ों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा डायरेक्टर हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंचीस और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सन सेकेंड हाफ में हमें दिखाया होता है वहाँ पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया और अवल दर्जे के देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते हैं लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नज़र आएगी ये एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया सा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ इस में की सीन्स देखने को मिलते दे। हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंच डिलीवर किए हुए थे मेगा आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीज़ें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले मैं बता दूँ कि इस के डिजिटल राइट्स ओ टी टी राइट सेटेलाइट राइट सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाई के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेन टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी फाइव के ऊपर आपको विथ ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए है जहाँ पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने डब करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चौरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर 8 अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राजा राजा चोरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम जी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज़ अगर कोई को राइट्स बेच देते तो वो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास राइटिंग डिरेक्शन सभी चीजें हाशित गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी विश्व प्रसाद इन दोनों, दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफ़ी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पाँच करोड़ का आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी कि हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग किए हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पे इस फिल्म में टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक के ऊपर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूँ अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहाँ पे श्री विष्णु सुनैना मेगा आकाश और रवि बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला बरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाऊ वासु इन्तुरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगम्पल्ली रोकेट राघव इंदू और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चोरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे फिल्म को करीबन पंद्रह सौ वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से सराहना की हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी जहां पे फिल्म ने पहले वीकेंड पे सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन पर एक मीडियम बस के साथ रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन पे 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने पहले वीक में 7 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद में इसके औरिस की बात करें तो यस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 140 यानी एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते यह फिल्म काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जीव म्यूजिक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था यह फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किया गए पहला गाना राजा राजा बच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भाद्वाज पात्रुडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रुडू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिष्णु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला लिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाई कॉम लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिसिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज किया गया था ओवरऑल दो हजार में इस फिल्म के साउंड ट्रेक को ऑफिशियली जी म्यूजिक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रेक आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर म्यूजिक आपको काफी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं तो वहाँ पर आप यूट्यूब पर इंजॉय कर सकते हो जी म्यूजिक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली दो में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटो फी 2020 मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग करो रही सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च 2020 में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड 19 के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 हज़ार बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग पोशन पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म की, इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे हो एक सोर्क शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़के से प्यार करते जिसका नाम संजना है जो मेघा आकाश रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नजर आता है जहाँ पे पता चलता है है कि हमें पता बताया जाता कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीजें सही में है क्या भास्कर मेरी डे विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीजों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीज डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची से जो वन लाइनर्स थे वो ज़रूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बड़े ऊपर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ वहाँ पर वो काफ़ी धासु नजर आ रहे थे मेघा का सपने रोल के साथ काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो ग्लैमरस नजर आ रही थी फिल्म में और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है सुनैना को एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ था उनको एक सीरियस रोल मिला हुआ था उसमें वो काफी बेहतरीन नजर आ रही थी रवि बाबू ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था और अपना वो किरदार वो काफी वंडरफुली एज यूजल प्ले करते हुए नजर आते हैं तनिकला भरानी एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं उनका वो कैरेक्टर ही उस टाइप का था जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीज़ों में उनका कैरेक्टर में वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है गंगावू काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही थी उनका परफॉर्मेंस आपको ज़रूर इम्प्रेस कर जाएगा उनका वो रोल छोटा सा किरदार आपके दिमाग में छप जाएगा बाकी के सभी कास्ट ने काफ़ी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए जिस वजह से जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो आपको इंप्रेसिव नजर आते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर हर्षित गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंची से नरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आने वाली इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही में फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नज़र आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीजें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही इमोशनल ट्रेक किया सेकंड हाफ में वो उतना डिटेल वाला नजर नहीं आता है जिस वजह से वो उतना में कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सिक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीजों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीजें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंचीस और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सेकंड हाफ में हमें दिखाया होता वहाँ पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सीनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया और अव्वल दर्जे की देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते है लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफी रिच नज़र आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है उस सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नजर आएगी एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया सा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ में की सीन्स देखने को मिलते दे। हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहां पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंचीवर किए हुए थे मेगा आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीज़ें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को आप देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले तो मैं बता दू कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स ओटी राइट्स सैटेलाइट राइट्स राइट सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाइव को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाई के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेन टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हैं हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी फाइव के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए हैं जहां पर राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने करवाया हुआ है है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है, डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चोरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि राजा राजा चोरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम बीजी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज़ अगर कोई को राइट्स बेच देते तो वो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओ टी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टी जी विश्व प्रसाद इन दोनों दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पांच करोड़ का आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग की हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पर इस फिल्म में टोटल पांच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक के पर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूं अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेघा आकाश और बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला भरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाऊ वासु इंतुरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदु और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चोरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे फिल्म को करीबन पंद्रह सौ वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना की हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस हुई थी डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया, किया, तो किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते पहले वीक में सात करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद में इसके और चीज की बात करें तो यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 140 यानी चालीस कि एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रॉस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ये फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किया गए पहला गाना राजा राजा बच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भाद्वाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रोड़ू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिष्णु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामालिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाई कॉम वैज्य लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिसिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज़ किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रेक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रेक आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे इंजॉय कर सकते हो जी म्यूज़िक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली 2020 में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग और रहे सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग प्रोशन पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 उन्नीस अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म की, इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे और एक शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह एक लड़के से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा आकाश रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चलता है कि हमें पता बताया जाता है कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीज़ें सही में है क्या भास्कर मेरिड है विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीज़ों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी इनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीज डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची से जो वन लाइनर्स थे वो जरूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बराबर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमेंटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासू नजर आ रहे थे मेघा का सबसे

में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में, तो वो सभी में उनका में वो उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है। काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका आपको जरूर काफ़ी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहां पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए जिस वजह से जो ट्विस्ट तो टर्न देखने को मिलते हैं, वो आपको इंप्रेसिव नजर आते फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर हर्शिद गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंची से नरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ़ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीजें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नज़र आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही इमोशनल ट्रेक किया सेकंड हाफ में वो उतना डिटेल वाला नजर नहीं आता है जिस वजह से वो उतना हमें कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सिक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीज़ों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा क्टर हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंच और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है एक इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सेकंड हाफ में हमें दिखाया होता वहाँ पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया और अव्वल दर्जे की देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते हैं लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह से सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है को सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नजर आएगी एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते और एक बढ़िया सा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ इस में की सीन्स देखने को मिलते दे। हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंचिस पंचीवर किए थे मेगा आकाश जिस, का, जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुने का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीजें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को आप देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले तो मैं बता दू कि इसमें फिल्म के डिजिटल राइट्स ओ राइट्स सैटेलाइट राइट्स सेटेलाइट सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाइव के ऊपर आपको यह फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेन टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हैं होती तो है फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तिलगु वजन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफार्म की बात करें तो जीफाई ऐप के ऊपर आपको विथिंक लिस्ट सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए हैं जहां पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने डॉप्ट करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई को भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चोरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि राजा राजा चोरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम जी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज़ अगर कोई को राइट्स बेच देते तो वो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओ राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी जी विश्व प्रसाद इन दिनों दोनों, दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफ़ी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पाँच करोड़ के आसपास का, आस का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग किए हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पे इस फिल्म में टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जियो म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक ऊपर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूं अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेघा आकाश और रवि बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला भरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाऊ वासु इन्तुरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदु और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर राजा राजा चोरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे फिल्म को करीबन पंद्रह सौ वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से सराहना की हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों को यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी जहां पे फिल्म ने पहले वीकेंड पे सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन पर एक मीडियम बस के साथ रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन पे 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने पहले वीक में 7 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद में इसके औरिस की बात करें तो यस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 140 यानी एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जीव म्यूज़िक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ये फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किए गए पहला गाना राजा राजा वच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भाद्वाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रोड़ू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिसनु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामालिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाईकोम वैज्य वाई लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिशिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रेक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहां पे म्यूजिक आपको काफी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे एंजॉय कर सकते हो जी म्यूजिक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर इस फिल्म को ऑफिशियली दो में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी दो मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग कर और सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग डब्बिंग पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चा, चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे हो एक सोर्क शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा आकाश रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चलता है कि हमें पता बताया जाता कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीजें सही में है क्या भास्कर मेरी डे विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीजों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में किए हुए उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीज डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची से जो वन लाइनर्स थे वो जरूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बड़ो पर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासू नजर आ रहे थे मेघा का सोच के साथ काफी इम्प्रेसिव नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रैक्टिव था वो नजर आ रही थी फिल्म रवि बाबू ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था और अपना वो वंडरफुली एज यूज प्ले करते हुए नजर आते तनिकेला भरानी एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करते हुए नजर आते और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं उनका वो कैरेक्टर ही उस टाइप का था जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीजों में उनका कैरेक्टर में वो उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है गंगावू काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका परफॉर्मेंस आपको जरूर इंप्रेस कर जाएगा उनका वो रोल छोटा सा किरदार आपके दिमाग में छप जाएगा बाकी के सभी कास्ट ने काफी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहां पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए हैं जिस वजह से जो ट्विस्ट तो टर्नस देखने को मिलते हैं वो आपको इंप्रेसिव नजर आते फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर हर्षित गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए थे जो कॉमेडी पंची से नरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आने वाली इस फिल्म का फर्स्ट हाफ़ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही में फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीजें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नजर आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही में इमोशनल ट्रेक किया सेकंड आप में वो उतना डिटेल वाला नज़र नहीं आता है जिस वजह से वो उतना में कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सीक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीज़ों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा डायरेक्टर हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंच और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन नेकेंड हाफ में हमें दिखाया होता है वहाँ पर थोड़े स्लो नज़र आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया और अवल दर्जे के देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिकवेंस देखने को मिलते हैं लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है उस सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नज़र आएगी ये एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया ऐसा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ इस में की सीन्स देखने को मिलते दे। हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंच डिलीवर किए हुए थे मेगा आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीज़ें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले मैं बता दूँ कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स ओ टी टी राइट सेटेलाइट राइट सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाई के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेन टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हो होती है फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो के ऊपर आपको विथ ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए है जहाँ पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने डब करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चौरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राजा राजा चोरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम जी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज़ अगर कोई को राइट्स बेच देते तो वो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चोरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी ऐप के ऊपर राजा राजा चोरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी जी विश्व प्रसाद इन दोनों दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफ़ी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पाँच करोड़ का आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग की हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूज़िक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पे इस फिल्म में टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूज़िक कंपनी ने और म्यूज़िक ऊपर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूं अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेघा आकाश और बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला बरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष वासु गंगाऊंटरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदु और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपोर्टेंट एक्टर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चौरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में उन्नीस अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे फिल्म को करीबन पंद्रह सौ वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों को यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी जहां पर फिल्म ने पहले वीकेंड पर सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन पर एक मीडियम बस के साथ रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन पे डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने पहले वीक में सात करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद में इसके और चीज की बात करें तो यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 140 यानी कि एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जीव म्यूजिक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था यह फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किया गए पहला गाना राजा राजा बच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भादवाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रुडू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिष्णु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला लिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाई कॉम लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिसिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज़ किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रैक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं तो वहाँ पर आप यूट्यूब पर इंजॉय कर सकते हो जी म्यूज़िक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली 2020 में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग करो रहे सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग प्रोशन पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म की, इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे और एक सौ शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा आकाश रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चलता जाता है कि हमें पता बताया जाता है कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीज़ें सही में है क्या भास्कर मेरिड है विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीज़ों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचिस डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची है जो वन लाइनर्स थे वो ज़रूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बड़े ऊपर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासु नजर आ रहे थे मेघा का सपने रोल के साथ काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो ग्लैमरस नजर आ रही थी फिल्म में और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है सुनैना को एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ था उनको एक सीरियस रोल मिला हुआ था उसमें वो काफी बेहतरीन नज़र आ रही थी रवि बाबू ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था और अपना वो किरदार वो काफी वंडरफुली एज यूजल प्ले करते हुए नजर आते हैं तनिकला भरानी एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं उनका वो कैरेक्टर ही उस टाइप का था जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीज़ों में उनका कैरेक्टर में वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है गंगावू काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही थी उनका परफॉर्मेंस आपको ज़रूर इम्प्रेस कर जाएगा उनका वो रोल छोटा सा किरदार आपके दिमाग में छप जाएगा बाकी के सभी कास्ट ने काफ़ी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए जिस वजह से जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो आपको इंप्रेसिव नजर आते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर हर्षित गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंची से नेरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही में फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नज़र आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीजें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही इमोशनल ट्रेक किया सेकंड हाफ में वो उतना डिटेल वाला नजर नहीं आता है जिस वजह से वो उतना में कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सिक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीजों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा क्टर हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई थी स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंचीस और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सेकंड हाफ में हमें दिखाया होता वहाँ पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया और अवल दर्जे के देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते हैं लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है को सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नजर आएगी एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया ही मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ में की सीन्स देखने को मिलते दे। हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंच डिलीवर किए हुए थे मेगा आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीज़ें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले तो मैं बता दू कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स ओटी राइट्स सैटेलाइट राइट्स राइट सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाइव के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेन टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी फाइव के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए हैं जहां पर राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट को मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चोरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि राजा राजा चौरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम जी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज़ अगर कोई को राइट्स बेच देते तो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओ टी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चौरा राजा राजा चौरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी जी विश्व प्रसाद इन दोनों दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पांच करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग की हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पे इस फिल्म में टोटल पांच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जियो म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक के पर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूं अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेघा आकाश और बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला भरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाऊ वासु इंतुरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदु और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चोरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहां पे फिल्म को करीबन 1500 वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना की हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों

एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते यह फिल्म काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ये फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किया गए पहला गाना राजा राजा बच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भाद्वाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रोड़ू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिष्णु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामालिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाई कॉम लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिसिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज़ किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रैक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे इंजॉय कर सकते हो जी म्यूज़िक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली 2020 में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग और रहे सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग प्रोशन पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म की, इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग, -अलग चा, चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे और एक सोर्क शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा का रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चलता है कि हमें पता बताया जाता कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीजें सही में है क्या भास्कर मेरी डे विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीजों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी इनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचिस डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची से जो वन लाइनर्स थे वो जरूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बराबर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासू नजर आ रहे थे मेघा का सबसे

में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीजों में उनका में, वो उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है छप जाएगा बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहां पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए जिस वजह से जो ट्विस्ट तो टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो आपको इंप्रेसिव नजर आते हैं, फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर आशीष गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंचीज है नरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ़ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नज़र आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही में फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नज़र आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही इमोशनल ट्रेक किया सेकंड हाफ में वो उतना डिटेल वाला नजर नहीं आता है जिस वजह से वो उतना हमें कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सिक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीज़ों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा क्टर हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंच और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सेकंड हाफ में हमें दिखाया होता वहाँ पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया और अव्वल दर्जे की देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह से सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नज़र आएगी ये एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी है कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया सा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ की सीन्स देखने को मिलते दे। हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंचीस डिलीवर की हुई थी मेगा का, आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुने का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीजें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले तो मैं बता दूँ कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स ओ राइट्स सैटेलाइट राइट्स सेटेलाइट सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाइव के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेन टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हैं हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तेलगू वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी फाइव के ऊपर आपको विथ फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वो ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए है जहां पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने डॉप्ट करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई को भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चोरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि राजा राजा चौरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज अगर कोई को राइट्स बेच देते तो वो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी जी विश्व प्रसाद इन दिनों दोनों, दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफ़ी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पर फिल्म का बजट करीबन दो से पाँच करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग की हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पर इस फिल्म में टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक ऊपर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूं अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेघा आकाश और रवि बाबू। ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला बरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाऊ वासु इन्तुरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदु और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चोरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहाँ पे फिल्म को करीबन 1500 वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना किए हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों को यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी जहाँ पर फिल्म ने पहले वीकेंड पर सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन पर एक मीडियम बस के साथ रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन पे डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने पहले वीक में, वी में सात करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद में इसके और की बात तो यğ...... करें तो यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो एक यानी कि एक डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जीव म्यूज़िक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ये फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किए गए पहला गाना राजा राजा वच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भाद्वाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रोड़ू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिस्नु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामालिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वायकम वैज्य लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिशिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज़ किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रेक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूजिक आपको काफी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे एंजॉय कर सकते हो जी म्यूजिक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली दो में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी दो मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग कर और सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग डब्बिंग पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चा, चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे हो एक सोर्क शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा आकाश रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चलता है कि हमें पता बताया जाता कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीजें सही में है क्या भास्कर मेरी डे विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीजों में जिस तरह से सभी ट्विट रोटन सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीस डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची है जो वन लाइनर्स थे वो जरूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बड़ोर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासू नजर आ रहे थे मेघा का सबसे के साथ काफी इम्प्रेसिव नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी प्रेजेंसिव था वो नजर आ रही थी फिल्म रवि बाबू ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था और अपना वो किरदारफुली एज यूज प्ले करते हुए नजर आते तनिकेला भरानी एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करते हुए नजर आते और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते उनका वो कैरेक्टर ही उस टाइप का था जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीजों में उनका कैरेक्टर में वो उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है गंगावू काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका परफॉर्मेंस आपको जरूर इंप्रेस कर जाएगा उनका वो रोल छोटा सा किरदार आपके दिमाग में छप जाएगा बाकी के सभी कास्ट ने काफी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहां पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए हैं जिस वजह से जो ट्विस्ट तो टर्न्स देखने को मिलते हैं वो आपको इंप्रेसिव नजर आते फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर हर्षित गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंची से नरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ़ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नजर आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही में इमोशनल ट्रेक किया आता है जिस वजह से वो उतना में कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सीक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीज़ों में चुप गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीजें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा डायरेक्टर हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंची और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन नेकेंड हाफ में हमें दिखाया होता है वहाँ पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया और अवल दर्जे के देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते हैं लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी रिच नज़र आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नज़र आएगी ये एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया सा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ इस में की सीन्स देखने को मिलते दे। हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंच डिलीवर किए हुए थे मेगा आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीज़ें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले मैं बता दूँ कि इस फिल्म के डिजिटल राइट ओटी टी राइट्स, राइट्स सेटेलाइट राइट्स, जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाई को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाइव के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेन टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी वर्जन में। अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी फाइव के ऊपर आपको विथ ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए है जहाँ पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने डॉप्ट करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई को भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चौरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर 8 अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राजा राजा चोरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम जी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज़ अगर कोई को राइट्स बेच देते तो वो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चोरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी ऐप के ऊपर राजा राजा चोरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी जी विश्व प्रसाद इन दोनों दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पांच करोड़ का आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की किए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग की हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पे इस फिल्म में टोटल पांच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक के पर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूं अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेघा आकाश और रवि बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला भरानी श्रीकांत अयंगर अजय घोष गंगाऊ वासु इन्तुरी कदम्बरी किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रॉकेट राघव इंदू और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चोरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे फिल्म को करीबन पंद्रह सौ वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना की हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस को पसंद आई थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी जहां पे फिल्म ने पहले वीकेंड पे सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तो पहले दिन पर एक मीडियम बस के साथ रिलीज हुई थी जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन पे 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने पहले वीक में 7 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था और उसके बाद में इसके औरिस की बात करें तो यस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 140 एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रोस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जीव म्यूजिक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था यह फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किया गए पहला गाना राजा राजा बच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भादवाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रोडू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिसनु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामालिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाई कॉम लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिसिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज़ किया गया था ओवरऑल दो हज़ार में इस फिल्म के साउंड ट्रैक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूजिक आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं तो वहाँ पर आप यूट्यूब पर इंजॉय कर सकते हो जी म्यूज़िक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली 2020 में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग कर और ये सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च दो में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 फिल्म बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग प्रोशन पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म की, इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग अलग चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे और एक सोर्क शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा आकाश रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नजर आता है जहाँ पे पता चलता बताया है कि हमें पता बताया जाता है कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीजें सही में है क्या भास्कर मेरी डे विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीजों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीज डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची है जो वन लाइनर्स थे वो ज़रूर एक बढ़िया सा फन क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फन जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बड़े पर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सिक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासु नजर आ रहे थे मेघा का सपने रोल के साथ काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रेक्टिव था वो ग्लैमरस नजर आ रही थी फिल्म में और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है सुनैना को एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ था उनको एक सीरियस रोल मिला हुआ था उसमें वो काफी बेहतरीन नज़र आ रही थी रवि बाबू ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था और अपना वो किरदार वो काफी वंडरफुली एज यूजल प्ले करते हुए नजर आते हैं तनिकला भरानी एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं उनका वो कैरेक्टर ही उस टाइप का था जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब रहता है और भी इंटरेस्टिंग मैनर में तो वो सभी चीज़ों में उनका कैरेक्टर में वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है गंगावू काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही थी उनका परफॉर्मेंस आपको ज़रूर इम्प्रेस कर जाएगा उनका वो रोल छोटा सा किरदार आपके दिमाग में छप जाएगा बाकी के सभी कास्ट ने काफ़ी बढ़िया तरीके से डिसेंट मैनर में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जहाँ पर सभी को शायद कम स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया था लेकिन उनका जो कैरेक्टराइजेशन था जो कैरेक्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उतनी ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किए हुए जिस वजह से जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं वो आपको इंप्रेसिव नजर आते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता डायरेक्टर हर्षित गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंचीस है नेरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही में फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नज़र आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीजें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही इमोशनल ट्रेक किया सेकंड हाफ में वो उतना डिटेल वाला नजर नहीं आता है जिस वजह से वो उतना हमें कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सिक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीजों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई थी स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंचीस और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीजें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सेकंड हाफ में हमें दिखाया होता वहां पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया और अव्वल दर्जे की देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते है लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह से सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफी रिच नजर आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इम्प्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है उस सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नजर आएगी एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया ही मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ में की सीन्स देखने को मिलते दे, हैं इसके अलावा ये सभी मैसेजेस सभी सब, एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंच डिलीवर किए हुए थे मेगा आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीज़ें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से यह फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले तो मैं बता दू कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स ओ राइट्स सैटेलाइट राइट्स सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाइव के ऊपर आपको ये फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हैं हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तेलगु वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी फाइव के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए हैं जहां पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने करवाया हुआ है है सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट ले लिया है, डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चोरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के

तो टेलीविजन प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो यह फिल्म आपको जी फाइव एप ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओ टी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए राजा राजा चोरा राजा राजा चोरा 2021 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग राइटिंग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें हाशिद गोली ने की हुई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल टीजी विश्व प्रसाद इन दो, दोनों दोनों प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे मीडियम लो बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को काफी लो बजट के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म का बजट करीबन दो से पांच करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है इसके अलावा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी उन्होंने ही किया हुआ है दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए वेदा रमन शंकरा ने एडिटिंग किए हुए विप्लव नयस चंदम ने और म्यूजिक दिया हुआ है विवेक सागर ने जहाँ पे इस फिल्म में टोटल पांच गाने सुनने को मिलेंगे और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी विप्लव ने ही किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने और म्यूजिक पर मैं आपको डीप में आगे बताने वाला हूँ अब हम बात कर लेते इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर जहां पे श्री विष्णु सुनेना मेगा आकाश और रवि बाबू ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे तनिकेला श्रीकांत अयंगर अजय घोष वासु किरण कार्तिके कृष्णा श्रुति सिंगमपल्ली रोकेट राघव इंदु और अरुणा बिक्सू ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये कुछ इंपोर्टेंट एक्टर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के लिए इन लोगों ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाई हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के रिलीज के ऊपर राजा राजा चोरा फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 19 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और आई पे फिल्म को सात पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे फिल्म को करीबन पंद्रह सौ वोट किए गए तो इस वोटिंग में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रेटिंग हासिल हुई है जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म ने काफ़ी सराहना की हुई है और उन दोनों ने यानी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने खास करके फिल्म का स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस और स्टोरी के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से सराहना की हुई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस उन लोगों

कि एक लाख चालीस हजार डॉलर इस फिल्म ने पहले वीक में ग्रॉस कलेक्शन किया था तो इसी के चलते फिल्म ने पहले वीक में दस करोड़ से के ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड उसके बाद धीरे धीरे फिल्म जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती रही और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ और साथ ही में फिल्म का ओ टी राइट डबिंग राइट्स काफ़ी हाई रेट में बेचे गए और उसी के चलते ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी एक लो बजट के साथ बनी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल थिएट्रिकल uh, रन लिया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने कंपोज़ किया हुआ है गानों को विवेक सागर ने जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी क्रिएट किया हुआ था इस फील्ड में टोटल पाँच गाने जहाँ पर दो हज़ार और 21 में इसको रिकॉर्ड किया गया था ये फिल्म के गाने सभी तेलुगु वर्जन में मेनली रिकॉर्ड किया गए पहला गाना राजा राजा बच्चे जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे हाशिद गोली ने सिंगर थे मोहानू बोगाराजू दूसरा गाना माया माया जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सानपति भाद्वाज पात्रोडू ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी तीसरा गाना बंडेना बंडेना जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे सनपति भारद्वाज पात्रोड़ू ने और सिंगर थे प्रदीप कुमार चौथा गाना था प्रचा जिष्णु जिसके लिरिक्स लिखे हुए जोना वित्तुला रामालिंगेश्वरा राव और इसके सिंगर थे वाई कॉम लक्ष्मी और पांचवा गाना निजम इडे कड़ा जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णा कांत ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम इस तरह से टोटल पांच गाने थे उनके लिरिसिस्ट और सिंगर थे और ये सभी गाने जी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे जहाँ पर पहला गाना राजा राजा वाचे को अट्ठाईस जुलाई दो को रिलीज किया गया था दूसरा गाना माया माया उसको 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिंगल को रिलीज़ किया गया था ओवरऑल 2021 में इस फिल्म के साउंड ट्रैक को ऑफिशियली जी म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो अभी ये फिल्म के साउंड ट्रैक आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलेगा गाने बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे इंजॉय कर सकते हो जी म्यूज़िक की चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली दो में फरवरी में अनाउंस किया गया था फिल्म की फोटो को फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फोटो ोग्राफी 2020 मार्च में स्टार्ट की गई थी उसके बाद में फिल्म का स्क्रिप्टिंग करो रही सभी चीज़ों के कामकाज में तीन महीना लगा था और मार्च 2020 में इस फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पूरी तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करवा लिया गया था लेकिन उसके बाद कोविड 19 के चलते फिल्म रुक गई थी और उसके बाद में अक्टूबर 2020 हज़ार बीस में फिल्म को रिज्यूम किया गया और बाद में इस फिल्म का जो डबिंग पोर्सन है पोस्ट प्रोडक्शन है उन सभी चीज़ों का काम किया गया और ओवरऑल फिल्म को डबिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन का काम करके रिलीज़ किया गया वो है 2021 में जहाँ पे 9 19 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और पॉजिटिव रिस्पांस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म इस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करें तो इस फिल्म में आपको टोटल अलग, अलग चार चार किरदार देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भास्कर श्री विष्णु रोल प्ले करे और एक सो शॉप में वो काम करते हुए नजर आएंगे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक लड़के से प्यार करते हैं जिसका नाम संजना है जो मेघा का रोल प्ले कर रही है उसके बाद में वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा अपनी नीड्स के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घट घटती है कुछ ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है ड्रामेटिक ट्विस्ट नज़र आता है जहाँ पे पता चलता है कि हमें पता बताया जाता कि संजना भास्कर की वाइफ है उनके साथ पहले उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा है अब ये सभी चीजें सही में क्या भास्कर मेरी डे विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है सुनैना वो भास्कर भास्कर से क्या रिलेट करती है इसके अलावा भास्कर ने संजना से क्यों झूठ बोला साथ ही में इन सभी चीजों में जिस तरह से सभी ट्विस्ट और टर्न्स सेट किए हुए वो सभी चीज़ें फिल्म के प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करती है इन सभी एनकाउंटर्स में भास्कर किस तरह से सामने खड़ा रहता है और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन लाता है ये सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है अभी तक श्री विष्णु ने जितनी भी फिल्में की हुई है उसके मुकाबले इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था जिस तरह से वो अपने रोल को डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा था उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको ज़रूर इंप्रेसिव लगेगा जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग के साथ वो कॉमेडी पंचीज डिलीवर कर रहे थे वो आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं उनके जो फनी पंची से जो वन लाइनर्स थे वो ज़रूर एक बढ़िया सा फ़न क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं उनके कैरेक्टराइजेशन में जिस तरह से एक फ़न जनरेट किया हुआ था वो सभी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में जस्टिफाई की हुई है साथ ही में उनका जो किरदार है उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने उनको बड़े ऊपर पकड़ी हुई थी साथ ही में उसमें एक सबल परफॉर्मेंस और डिलीवर करते हुए नजर आते और इंटरवल सीक्वेंस में और साथ ही में कुछ रोमांटिक सिक्वेंस और कॉमेडी सीन्स फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है वहाँ का वहाँ पर वो काफ़ी धासु नजर आ रहे थे मेघा का अपने रोल के साथ काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अट्रैक्टिव था वो ग्लैमरस नजर आ रही थी फिल्म अच्छा में रही थी रवि बाबू ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था और अपना वो, वो वंडरफुली एज यूजल प्ले करते हुए नजर आते तनिकला भरानी एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते उनका वो कैरेक्टर ही उस टाइप का था जो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करने

टंस देखने को मिलते हैं, वो आपको इंप्रेसिव नजर आते फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा रेसी और बढ़िया नजर आता है। डायरेक्टर हाशिद गोली ने जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ को हैंडल किया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में एक मैसेज दिखाया हुआ था अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई थी इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन करने की कोशिश की हुई थी वो सभी चीज़ों में वो बढ़िया से कामयाब रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी ब्लेंड्स दिखाए हुए थे जो कॉमेडी पंचीज है नेरेशन में जिस तरह से एक बढ़िया सा एलिवेशन दिखाया हुआ था कॉमेडी सिक्वेंस के साथ जिस तरह से स्टोरी को प्रोसेस कर रहे थे वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आने वाली है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ़ जरूर एंटरटेनिंग था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो नजर आएगा इनिशियल में फिल्म को थोड़ा स्लोपी कह सकते हैं साथ ही फिल्म में कुछ जगह पे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें दिखा दी गई है और डायरेक्टर ने टोटली फिल्म की कहानी को सिनेमेटिक टोन दे दिया था जहाँ पे कुछ कॉमेडी जनरेट करते हुए वो नज़र आते हैं तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा बेहतर किया जा सकता था फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें थी उसको चॉप आउट किया भी जा सकता था साथ ही इमोशनल ट्रेक किया सेकंड हाफ में वो उतना डिटेल वाला नजर नहीं आता है जिस वजह से वो उतना हमें कनेक्टेड नहीं लगता है स्टोरी लाइन जिस तरह से पेपर में नजर आ रही थी वो इमोशनल ड्रामा सिक्वेंस को और बेहतर करने में कामयाब रह सकती थी लेकिन डायरेक्टर उन सभी चीज़ों में चुक गए अगर उन सभी चीज़ों को बेहतर सस्टेन वे में इमोशंस दिखा देते तो वो सभी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चली जाती तो ये फिल्म खतरनाक शानदार बन सकती थी इसके अलावा क्टर हसीद गोली ने जो एग्जीक्यूट की हुई स्टोरी को जिस तरह से कॉमेडी पंच और फन डोज के साथ उन्होंने स्टोरी को स्टेबलिश किया हुआ था जिस तरह से दिखाया होता है कि इमोशनल मैसेज दिखाया होता वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा हसीद ने जिस तरह से नेशन सेकंड हाफ में हमें दिखाया होता वहाँ पर थोड़े स्लो नजर आते अगर उसको सुधार लेते तो बेहतर होता सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया और अव्वल दर्जे के देखने को मिलती है जिस तरह से सभी सिक्वेंस देखने को मिलते लो बजट की फिल्म को जिस तरह से एलिवेट किया हुआ था जिस तरह सभी सीन्स को शोकेस किया हुआ था वो काफी रिच नजर आ रहा था फिल्म की हर एक फ्रेम आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म के गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ था साथ ही में ये सभी गाने काफ़ी इंप्रेसिव थे उसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है स्को सीन को और बेहतर कर रहा था फिल्म का सबसे बड़ा ह्यूज प्लस पॉइंट है एडिटिंग अच्छी थी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की डिसेंट थी जिस वजह से ये सभी चीज़ों के पॉजिटिवनेस की वजह से फिल्म आपको ज़रूर एंटरटेनिंग और बढ़िया नज़र आएगी एक इमोशनल कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर डिसेंट कॉमेडी से कुछ अच्छा रोमेंस भी देखने को मिलता है कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन्स देखने को मिलते और एक बढ़िया सा मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों में फिल्म आपको ज़रूर पसंद आने वाले कुछ में की सीन्स देखने को मिलते दे, हैं इसके अलावा ये सभी मैसेज इस सभी सब, एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहाँ पे विष्णु ने जिस तरह से एक्टिंग की हुई थी जो कॉमेडी पंच डिलीवर किए हुए थे मेगा आकाश जिस तरह से अपना काम दिखाने में कामयाब रही है सुनैना का स्क्रीन प्रेजेंस और ये सभी चीज़ें फिल्म की स्पेशल हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है इस फिल्म को भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हो ये काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म है अगर आप इस फिल्म को अब देखना चाहते हो और कैसे देख सकते हो तो उसके ऊपर एक मैं जानकारी दे देता हूँ तो पहले तो मैं बता दू कि इस के डिजिटल राइट्स ओटीटी राइट्स सैटेलाइट राइट्स सभी जी नेटवर्क के पास है जहां पे तेलुगु वर्जन के सभी राइट्स उनके ही पास है जी तेलुगु के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है उन्होंने अच्छी खासी प्राइस में इसके राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाइव को बेचा गया था जो जी नेटवर्क ही ऑन करता है तो जी फाई के ऊपर आपको यह फिल्म जरूर देखने को मिलेगी तो इस तरह से ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पे तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी अगर जी तेलुगु की टेलीविजन चैनल पर इसको देखना चाहते हो तो ये फिल्म वहाँ पे देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में अदरवाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो के ऊपर आपको विथ फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी राजा राजा चोरा के नाम से अब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की तो जी वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी खरीदे हुए हैं जहां पे राजा राजा चौरा के नाम से इस फिल्म को प्रॉपर उन्होंने डॉप्ट करवाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट ले लिया है डबिंग में भी और साथ ही में इस फिल्म को कोई भी विदाउट कट्स सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है डबिंग में जो नाम रखा गया है वो सेम है राजा राजा चोरा तो जिस वजह से ये फिल्म आपको सेम नाम के साथ जी सिनेमा पे देखने को मिलेगी जी नेटवर्क ने ऑन किया है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा पे पहला प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम पे देखने को मिलेगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि राजा राजा चौरा फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आठ अप्रैल शुक्रवार के दिन रात को नौ बजे के टाइम जी सिनेमा पे किया जाएगा उसके बाद अब YouTube प्रीमियर इसका ऑफिशियली तो कभी भी नहीं होने वाला है जी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कभी भी ऑफिशियली YouTube पे प्रीमियर नहीं करवाई जाती अदरवाइज अगर कोई को राइट्स बेच देते तो बात अलग है तो टेलीविज़न प्रीमियर जब कंप्लीट होता है फिल्म का तो ये फिल्म आपको जी फाइव एप ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलेगी अगर आपके पास जी फाई का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में वहाँ पे इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन के सैटेलाइट और ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क ने तो जी तेलुगु और जी सिनेमा के ऊपर आपको तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में ये फिल्म टेलीविजन पर देखने को मिलेगी राजा राजा चौरा के नाम से वहीं पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाई ऐप के ऊपर राजा राजा चौरा के नाम से ये फिल्म आपको तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपके पास जी फाइव का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो बस गाइज इस वीडियो में इतने ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें थी जो सभी चीज़ें मैंने शेयर कर दी है फिल्म का एक डीप रिव्यू कर दिया है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत कर ली है परफॉर्मेंसिस के ऊपर बात की साथ ही में सफ़ी एक्टर ने किस तरह से काम किया हुआ है ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है इसके अलावा फिल्म का फिल्मिंग बजट प्रो प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने डिटेलिंग दे दी है ये फिल्म कहाँ पर फ्री में ऑफिशियली देखने मिलेगी उसके ऊपर भी एक डिटेलिंग मिल चुकी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू